Hello students. How are you all? Welcome to my YouTube channel. Biology in Seconds. A platform for free of cost MDCAT preparation. Assalamu alaikum students. This is Dr. Hamza Tanzeel. Hope so all of you are fine and happy. और उम्मीद है कि आपके MDCAT की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी और आप अपने MDCAT की तैयारी पे फुल फोकस भी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आप ही में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इन फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे और अपने जो लोग हैं अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी खिदमत भी करेंगे। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक टेस्ट सेशन कंडक्ट किया हुआ है और आपके अभी तक हम लोगों ने 4 टेस्ट जो है वो लिए और 2 टेस्ट हमने इनिशियली लिए थे पार्ट 1 के। आज हम चौथे टेस्ट की जो आई थिंक आपका 29 अगस्त को हुआ है उसकी कीज़ और उसकी जो MCQ उसकी डिस्कशन है वो करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने ये टेस्ट अटैम्प्ट किए और जिन्होंने ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया आप सभी ने ये डिस्कशन ध्यान से सुननी है। आपने इन MCQs के जो की पॉइंट्स हैं इन MCQs के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपने उन्हें ध्यान से सुनना है और उनको मेमोराइज करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको MDCAT में आता है तो आप लोगों के लिए आसानी होगी मार्क्स को स्कोर करने की। चलेगी विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले MCQ स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। द प्रोसेस दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी इज ऑप्शंस हैं म्यूटेशन, ऑप्शन बी है एवोल्यूशन, ऑप्शन सी है माइग्रेशन एंड ऑप्शन डी है जेनेटिक ड्रिफ्ट। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हुआ है कि लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कहाँ से कहाँ तक? जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, मतलब जब से लाइफ की स्टार्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक जितनी भी डाइवर्सिटी इस लाइफ में आई है इस ओवरऑल चेंज को हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन यही चीज़ यही आइडिया लिया जाता है कि जब से लाइफ की बिगिनिंग हुई है तब से लेकर आज तक इस लाइफ के अंदर जितनी भी चेंजेज आई हैं, जितनी भी वराइटीज़ आई हैं, जितनी भी वर्सेटैलिटीज़ आई हैं, ये ओवरऑल इसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? एवोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। तो अपने एवोल्यूशन का एक सिंपली कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्या रखना है स्टूडेंट्स कि लाइफ की बिगिनिंग से लेकर प्रेजेंट लाइफ तक जितनी भी चेंजेज़ हैं उन चेंजेस को ओवरऑल एक टर्मिनोलॉजी से प्रोनाउंस किया जाता है, दैट इज़ एवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, दैट इज़ एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेथेनोपायरस कैंडुलिया इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव इन अ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट एंड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अ हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर रीच 230 डिग्री फॉरेनहाइट। वट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दिस? कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट में रहता है और सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था हाइड्रोथर्मल वेंट्स में से। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अंडर द सी हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के चश्मे हैं उन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है और वहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली वो बता रहे हैं कि 230 डिग्री फॉरेनहाइट था। तो बताओ ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा? ऑप्शन प्रोटिस्ट होगा, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया होगा, ऑप्शन सी आर्कियोबैक्टीरिया होगा या ऑप्शन डी सिंपल बैक्टीरिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़ा इंट्रो याद हो तो किंगडम मोनेरा के इंट्रो में आपको ये बताया गया था ड्यूरिंग लेक्चर कि हमारे पास बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, एक है आर्कियोबैक्टीरिया और एक हमारे पास है यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया किन्हें कहते हैं? जो एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं, जो जिनसे लाइफ की बिगिनिंग हुई है वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया। और जो प्रेजेंट बैक्टीरिया मौजूद हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें ये भी बात पता है कि बिग बैंग थ्योरी के रिजल्ट में हमारी अर्थ जो है वो वजूद में आई थी और जो सबसे पहले लाइफ इस अर्थ के ऊपर थी वो बैक्टीरिया थे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट थ्योरी। तो वो यही बात कह रहे हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में से ये डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो मोस्ट पॉसिबल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा बनेगा? आर्कियोबैक्टीरिया। क्योंकि कोई भी कॉमन बैक्टीरिया 230 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर के ऊपर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है,
कॉर्नलस लीनियस वॉज बिलीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टूडेंट ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एवोल्यूशन में से, ये अक्सर एमडी कैट के अंदर पूछा जाता है कि जो कॉर्नलस लीनियस है ये वही साइंटिस्ट है जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस भी करवाया था स्टूडेंट्स, जो स्पीशीज को साइंटिफिक नेम देने का एक प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि जो कॉर्नलस लीनियस है ये किस थ्योरी को बिलीव करता था? ऑप्शन ए स्पेशल क्रिएशन, ऑप्शन बी कैटास्ट्रोफिज्म, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट थे वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते थे, वो डार्विन की थ्योरी पे बिलीव करते थे, लेकिन कॉर्नलस लीनियस की अगर हम बात करें ये वो साइंटिस्ट था जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करता था। वो कहता था कि इस दुनिया में किसी भी किस्म की एवोल्यूशन नहीं है, जो चीज़ जिस तरह की है उसको इसी तरह से बनाया गया। तो जो कॉर्नलस लीनियस था ये किस चीज़ का बिलीवर था? ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का बिलीवर था। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज दैट ऑर्गेनिजम्स कैन पास डाउन अक्वायर्ड ट्रेट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम? कैरेगन में से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये हाइपोथेसिस पेश किया था कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स अक्वायर्ड करते हैं वो उसकी जेनेटिक्स में भी जाती हैं? ऑप्शन यहाँ पे क्या कहें, लेमार्क, लीनियस, डार्विन या मेंडल। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात याद होगी हमने जब पढ़ा था थ्योरी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, और इस थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? जे बैप्टिस्ट डी लेमार्क। तो इस लिहाज से ये जो हाइपोथेसिस है कि ऑर्गेनिज्म जो करेक्टरिस्टिक्स अक्वायर्ड करते हैं वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जाते हैं, ये थ्योरी किसकी थी? जे बैप्टिस्ट डी लेमार्क की थी। एनी हाउ ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम जानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ वही करेक्टरिस्टिक्स जाती हैं जो कि हमारी जीन्स में होती हैं, और अक्वाइर्ड करेक्टरिस्टिक्स तो हमारी जीन्स के अंदर नहीं होती। तो इस लिहाज से इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है, किसने ये थ्योरी पेश की थी, वो कौन था? जे बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? कह रहे कि जो आपको नीचे गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लेमार्क की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है या बताता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल्स लूज ट्रेट्स व्हेन दे डोंट नीड, ऑप्शन बी अक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आर हेरिटेबल, ऑप्शन सी इंडिविजुअल्स गेन करेक्टरिस्टिक्स दे नीड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखा जाए तो ये तीनों की तीनों पॉइंट्स जो हैं ये लेमार्क थ्योरी के ही हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लेमार्क ने भी की थ्योरी दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल थी। पहले वो क्या कहता था कि वो चीज़ें वो बॉडी के स्ट्रक्चर्स जिन्हें ज़्यादा यूज़ किए जाए वो डेवलप हो जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जिन्हें यूज़ ना किए जाए वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड उसने कहा था कि जो चीज़ें आप डेवलप कर लेते हो अक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो हो जाती हैं वो फिर नेक्स्ट आपकी जनरेशन मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। तो इस लिहाज से ये तीनों पॉइंट्स ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, डार्विन थ्योरी मेनली फोकस ऑन, कह रहे कि जो डार्विन की थ्योरी थी उसका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ के ऊपर था? ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ लाइफ पे था, ऑप्शन बी हाउ ऑर्गन्स एक्सटेंट, ऑप्शन सी हाउ न्यू स्पीशीज अराइज एंड ऑप्शन डी हाउ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म। स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो डार्विन ने बुक लिखी थी वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन जो डार्विन की थ्योरी मेनली फोकस कर रही थी वो कौन सी, वो किस चीज़ पे कर रही थी? हाउ न्यू स्पीशीज अराइज, क्योंकि डार्विन इस बात पे यकीन रखता था कि इस दुनिया में सबसे पहले एक ही ऑर्गेनिज्म आया और वो बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। फिर आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हमें नज़र आते हैं वो सारे उसकी चेंजेस फॉर्म से बने हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं, ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था। तो डार्विन की थ्योरी जो मेन फोकस करती है वो किस चीज़ पे करती है? हाउ न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम अर्लियर स्पीशीज, मतलब पहले से मौजूद स्पीशीज से नई स्पीशीज कैसे बनती हैं, डार्विन इस चीज़ पे फोकस करता था। उसने जो बुक लिखी थी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी थी, लेकिन उसकी थ्योरी फोकस किस चीज़ पे करती थी? हाउ न्यू स्पीशीज अराइज के ऊपर। तो इसलिए असल जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई और डिमिनिश,
वेरिएशंस दैट आर, कह रहे कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन से मुराद जो कि इन्वायरमेंटल सिलेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू डार्विन, वो किस चीज़ को बढ़ाती है और किस चीज़ किन वेरिएशंस को बढ़ाती है और किन वेरिएशंस को कम करती है। ऑप्शन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को, बी नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी एक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली सी बात है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारी हेरिटेबल है उन्हीं को थ्रू नेचुरल सिलेक्शन क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है या डिमिनिश किया जाता है। मतलब एक करेक्टर जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट फिटेस्ट है तो वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाके एम्पलीफाई होगा। लेकिन अगर एक करेक्टर मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है बट वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट फिटेस्ट नहीं है तो वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाके डिमिनिश होगा। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन जो हेरिटेबल करेक्टर होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, डिमिनिश होते हैं, क्योंकि जो नॉन हेरिटेबल करेक्टर है वो तो आगे जाते ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द हमने ये बात कह चुके हैं कि जो जीन्स के अंदर चीज़ है वही आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगी और वही एम्पलीफाई और डिमिनिश होगी। अक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स डू नॉट ट्रांसफर इन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हेरिटेबल। क्वेश्चन नंबर 8 है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट एक्सेप्ट। कह रहे कि जो डार्विन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके जो पास्टुलेट्स हैं वो सभी हैं लेकिन एक इनमें से डार्विन की थ्योरी का पास्टुलेट नहीं है। अब वो कौन सा नहीं वो हमने देखना है। ऑप्शन ए, सम इंडिविजुअल्स आर मोर सक्सेसफुल इन सर्वाइविंग एंड रिप्रोडक्शन देन अदर्स। ये यस डार्विन ये कहता था, फिटेस्ट की बात हो रही है। इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन आर वेरिएबल, ये भी वो बात कहता था, क्योंकि अगर कहता था अगर वो एक जैसे हैं तो वो तो सारे के सारे इकट्ठे मर जाएंगे। ऑप्शन सी, द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉट रैंडम, ये भी बात वो कहता था। द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इज रैंडम, ये नहीं कहता था वो। तो इस लिहाज से जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है बाय नेचुरल सिलेक्शन उसकी जो पॉस्टुलेट उसका नहीं है वो ऑप्शन डी है कि द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज रैंडम। वो रैंडम नहीं होता, वो हमारे पास रैंडम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो रैंडम होता है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, बल्कि वो क्या नहीं होता, वो रैंडम नहीं होता, वो सिलेक्टिव होता है। तो ऑप्शन डी जो है इट इज़ नॉट अ पॉस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, डार्विन डिस्क्राइब हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो डार्विन था उसने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन सी इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एंड ऑप्शन डी डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी उसमें दो पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कौन सा था, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, और सेकंड पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशंस। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन डी है डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस लिहाज से कि जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी उसका जो मेन पॉइंट था वो क्या था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और सेकंड पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। चूँकि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन मेंशन नहीं है तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, नियो डार्विनिज्म्स हैज इंटीग्रेट डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नियो डार्विनिज्म्स क्या होता है, डार्विनिज्म स क्या होता है। सुनो, डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। अब बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट किया, उसके अंदर कुछ एविडेंसेस ऐड किए डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेस से, तो ये एक नियो डार्विनिज्म बन गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो नियो डार्विनिज्म हैं बताओ उसमें कौन कौन सी जो साइंसेज हैं वो शामिल थी। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जेनेटिक्स यस शामिल थी, पैलेंटोलॉजी यस इसके एविडेंसेस भी शामिल थे, टैक्सोनॉमी इसके भी एविडेंसेस शामिल थे, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स जो नियो डार्विनिज्म था उसके अंदर डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेस के क्या थे, एविडेंसेस शामिल थे, जिसमें जेनेटिक्स था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स थी, पैलेंटोलॉजी थी, टैक्सोनॉमी थी, मॉलिकुलर बायोलॉजी थी, एम्ब्रियोलॉजी थी। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो ऑप्शन डी बनेगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो एविडेंस नहीं है किसका, एवोल्यूशन का। ऑप्शन ए फॉसिल्स रिकॉर्ड, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म, ये भी एक एवोल्यूशन का ही एविडेंस है। ऑप्शन सी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स, यस ये भी एक एविडेंस है एवोल्यूशन का।
और नन ऑफ दीज, यस, तीनों जो हैं वो तो एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के, तो जो राइट ऑफ आंसर यहाँ पे बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्ट्रक्चर दैट वर वंस फंक्शनल इन द पास्ट बट नो लॉन्गर सर्व अ पर्पस ड्यू टू एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर रेफर टू अस। कह रहे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे पास्ट के अंदर तो काम के थे बट ड्यू टू एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस अब वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं वेस्टिजियल्स, ऑप्शन बी एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स आपने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने यही पढ़ी थी कि वो स्ट्रक्चर जो कि फंक्शन पास में तो फंक्शनल थे बट दे आर नो लॉन्गर फंक्शनल नाउ, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक अपेंडिक्स इन ह्यूमंस, फीमर बोन इन व्हेल फिश, ठीक है, ईयर मसल्स ईटीसी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा वेस्टिजियल ऑर्गन, ये करेक्ट आंसर है। इसकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, एमडी कैट के अंदर इसकी एग्जांपल्स अक्सर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय एनालॉगस ऑर्गन्स। कह रहे कि किस तरह की जो एवोल्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटेड की जाती है बाय एनालॉगस ऑर्गन्स। अगर हम एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एनालॉगस ऑर्गन्स जो है वो किस तरह की एवोल्यूशन को प्रेजेंट करता है, पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन बी स्ट्रेट एवोल्यूशन, ऑप्शन सी ज़िगज़ैग एवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जो कि फंक्शनली क्या होते हैं, अलाइक होते हैं बट स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब जो फंक्शनली एक जैसे हों लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो उस लिहाज से जो एनालॉगस ऑर्गन्स एवोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि जो हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं, और अगर हम बात करें होमोलॉगस ऑर्गन्स की तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रंट फ्लिपर ऑफ अ व्हेल एंड द फोर आर्म ऑफ अ वुल्फ हैव सिमिलर बोन स्ट्रक्चर एंड ड्राइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो व्हेल फिश है उसके फ्रंट फ्लैपर्स और जो फोर आर्म है वुल्फ के, कह रहे हैं कि इनके बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि वुल्फ उससे रनिंग करता है और व्हेल उससे स्विमिंग करती है। तो कह रहे हैं कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शन के हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन बी एनालॉगस स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी बॉटलनेक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चरली अलाइक हो बट फंक्शनली डिफरेंट हो दैट आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स, और जो कि फंक्शनली अलाइक हो बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो वो कौन से होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, दैट इज होमोलॉगस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। कह रहे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट है। ऑप्शंस होमोलॉगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, ये बात बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर कैट फ्लिपर ऑफ व्हेल, ऑप्शन सी है। एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर विंग्स ऑफ बैट्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन सी डी है एनालॉगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, ये बात गलत है क्योंकि हमने ये बात किया है कि एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि फंक्शनली क्या होते हैं, अलाइक होते हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ये क्या है हमारे पास, गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वेनस फ्लावर बास्केट इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो वेनस फ्लावर की बास्केट होती है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए साइकॉन, ऑप्शन बी ल्यूसोसोलिनिया, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला एंड ऑप्शन डी यूप्रिसेटला। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वेनस फ्लावर है उसकी जो बास्केट होती है इट इज़ आल्सो नाउन एज यूप्रिसेटला, ठीक है। ऑप्शन डी जो हमारे पास है ये हमारे पास के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम इज टर्म्ड एज। कह रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शन, उसे तो कोहेरेंस कहते हैं, लेकिन साथ ही उसने क्या कह दिया, एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम,
और जाइलम की सेल वॉल के साथ भी इसकी जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन और साथ ही साथ वो जो जाइलम की वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये जो टर्म है इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कोहेरेंस, ऑप्शन बी टेंशन, ऑप्शन सी एडहेशन एंड ऑप्शन डी इम्बाइबेशन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन है और जाइलम वॉल्स के साथ उनकी जो अटैचमेंट है इसे क्या बोला जाता है, एडहेशन। तो जो ऑप्शन सी हमारे पास है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाटर वेपर्स एग्जिट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर अ लीफ थ्रू। कह रहा है कि लीफ के अंदर वाटर वेपर्स एग्जिट और कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर है वो किसके थ्रू होती है। ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी प्रोफाइरल रिंग एंड ऑप्शन डी फोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो एंट्री और एग्जिट होती है प्लांट्स के अंदर, ये मोस्टली किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ दीज सेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन फ्लोएम। कह रहे हैं इनमें से कौन से सेल्स फ्लोएम के अंदर नहीं होते। ऑप्शन ए कंपेनियन सेल्स, ये होते हैं। बी सीव ट्यूब सेल्स, ये भी होते हैं। ऑप्शन सी वेजल्स, वेजल्स नहीं होते फ्लोएम सेल्स के अंदर। एंड ऑप्शन डी पैरेन्काइमा, यस पैरेन्काइमा सेल्स भी फ्लोएम के अंदर होते हैं। सो जो ऑप्शन सी है, दीज आर द सेल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स और वाटर वाया एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे इज नाउन एज। अब कह रहे हैं कि पानी और मिनरल्स की जो मूवमेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे की मदद से। अब एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद सेल के बाहर, मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इसने इन सभी का आपको नहीं बताया, इसने सिर्फ कहा कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो पाथवे यूज होता है वो कौन सा होता है, सिम्प्लास, एपोप्लास, वास्कुलर या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जाइलम की वॉल्स के अंदर जो वाटर के और मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो हमारे पास कौन सा पाथवे होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे होता है, वो सेल्स के बाहर वाला पाथवे। क्लियर। एपोप्लास्ट में सेल वॉल पाथवे यूज होता है, सिम्प्लास्ट के अंदर साइटोप्लाज्म पाथवे यूज होता है, बट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे तो वो सेल के बाहर वाला पाथवे है, तो उसके अंदर यूज किया जाता है द ल्यूमन ऑफ द जाइलम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। कह रहे हैं जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये कहाँ होती हैं। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स एंड ऑप्शन डी वास्कुलर बंडल्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये क्या करती हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस कॉज करती हैं कहाँ पे, एपोप्लास पाथवे के अंदर, और ये मौजूद कहाँ पे होती हैं हमारे पास, ये एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा हमारे पास दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ। कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। ऑप्शन ए हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, नो। लोअर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन टू हायर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन, नो। लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, यस। क्योंकि जो वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन या हायर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नाउन एज। कह रहे कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन बी प्रेशर पोटेंशियल, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें क्या कहा जाता है, क्या नाम देंगे उसको, वाटर पोटेंशियल, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज नाउन एज वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट आर। कह रहे हैं कि जो यीस्ट है उसकी फर्मेंटेशन से कौन सी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन ए वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो यीस्ट होती है इट इंक्लूड इन द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहलिक, ऐसे ही है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास वो क्या होती है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस लिहाज से ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है,
क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये याद रख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में डैश परसेंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है और उसके बाद फर्मेंटेशन हो जाती है अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड। तो वो जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है वो कितने परसेंट होती है? जस्ट 2%, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेट एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो सिर्फ दो ही बनते हैं। सो वी सेड 2% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन बी जो होगा दैट इज करेक्ट आंसर। 26 है, ऑक्सीजन प्लेज डैश रोल इन रेस्पिरेशन। कह रहा है कि ऑक्सीजन इनमें से कौन सा रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन में। ऑप्शन ए, इट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम ए एट द स्टार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। नो, वो तो ऑक्सैलो एसिटेट होता है। ऑप्शन बी, इट प्ले नो रोल। लो, इसका तो रोल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, इट इज गिवन ऑफ एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट। नो, नॉट एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑप्शन डी, इट इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंड में फाइनल एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन ही होता है जो कि वाटर बनाता है फिर। तो इसलिए ऐसी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 है, साइटोक्रोम आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स कंटेनिंग। कह रहे हैं जो साइटोक्रोम होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मौजूद होता है उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीम, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन एंड ऑप्शन डी फेब्रिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइटोक्रोम होता है इट इज हीम कंटेनिंग केमिकल। ओके, तो इसलिए आपसे जो ऑप्शन बी होगा हीम, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट्स। कह रहे कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है प्लांट्स के अंदर उसमें ऐसा कौन सा कैरियर होता है जिसके अंदर कॉपर होता है? ऑप्शन प्लास्टोक्यूनिन, ऑप्शन बी प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन डी प्लाटिनम एंड ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो प्लास्टोसाइनिन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे जो लिखा हुआ है पीसी, प्लास्टोसाइनिन, इट इज़ अ कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरियर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, को एंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज बाय विच एंजाइम। कह रहे को एंजाइम क्यू जो है इसे ऑक्सीडाइज कौन करता है? अब को एंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज करता है NADH को, और खुद ये ऑक्सीडाइज जो होता है वो किससे होता है? साइटोक्रोम बी से होता है। तो हमारे पास क्या आएगा? साइटो को एंजाइम सी, को एंजाइम क्यू, को साइटोक्रोम बी या साइटोक्रोम ए। तो हमें पता है कि जो को एंजाइम क्यू है इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम बी। ये को एंजाइम है जो कि क्या करेगा, को एंजाइम क्यू को क्या कर रहा होता है? ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। फिर साइटोक्रोम बी को साइटोक्रोम सी करता है, साइटोक्रोम सी को ए करता है, ए को A3 करता है, और एट द एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर प्रेजेंट ऑन। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है उसके लिए एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी इनर कंपार्टमेंट्स, ऑप्शन सी आउटर कंपार्टमेंट्स एंड ऑप्शन डी आउटर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो क्रिस्टी होती है वो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं और इसी के ऊपर एंजाइम्स मौजूद होते हैं किस चीज़ के लिए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए, जैसे एटीपी सिंथेस वगैरह ATC। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा? ए, दैट इज क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकरिंग। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कहाँ होती है? ये बड़ा टिपिकल सवाल है। ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी आउटर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसने कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की आपसे बात नहीं की। अगर वो कहता कि ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है या फोटोफॉस्फोरिलेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, तब हम समझते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है या रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उसने कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछा है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो वो तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी बनेगा दैट बोथ ए एंड सी, इट इज़ मोर रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32 है, FADH2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, कहेगा जो FADH2 है ये किस प्रोसेस के अंदर बनता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, नो। द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, नो। क्रेब्स साइकिल, यस। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से जो ऑप्शन सी होगा, क्रेब्स साइकिल, जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है तब हमारे पास FADH2 बनता है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी होगा क्रेब्स साइकिल, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इंटू, ये उसने ग्लाइकोलाइसिस में से पूछा है कि जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को किसके अंदर। ऑप्शन है फ्रुक्टोज 1-4-फॉस्फेट, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज 1-6-बिसफॉस्फेट, ऑप्शन सी बिसफॉस्फेट एंड ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स याद हो तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद क्या बनता था, फ्रुक्टोज 1-6-बिसफॉस्फेट। और ये कैसे बनता था, जब यहाँ पे ATP ब्रेक होता था और जो फॉस्फेट था उसको, जो कार्बन नंबर 6 था उसके ऊपर अटैच कर दिया जाता है और क्या बन जाता है, फ्रुक्टोज 1-6-बिसफॉस्फेट। और उस फॉस्फेट को कार्बन नंबर 6 पे लगाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेसिस। तो इसलिए आपसे ऑप्शन बी जो है फ्रुक्टोज 1-6-बिसफॉस्फेट, दिस इज मोर रेलिवेंट एंड मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो जाता है और एब्सेंस के अंदर भी हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी है पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी है क्रेब्स साइकल्स एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है इस कॉन्सेप्ट, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, जो सबसे जो एक स्टेप कॉमन है दोनों के अंदर वो कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। इसलिए बाकी जो पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकल्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होते। तो इसलिए यहाँ से जो कॉमन प्रोसेस है फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारे पास दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, कह रहे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये जरूरी होते किस तरह का प्रोसेस है ये। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन है, ऑप्शन बी रिडक्शन है, ऑप्शन सी रिडॉक्स है एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, कुछ केमिकल ऑक्सीडाइज होते हैं कुछ केमिकल रिड्यूस्ड होते हैं। तो इसलिए लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इट इज़ एसेंशियली रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद क्या है कि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी रिडक्शन होती है। तो ऑप्शन सी जो है ये क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसने आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट से घुमाया बस, कह रहे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन है, चाहे वो प्लांट्स में हो रही है चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो रही है चाहे वो किसी के अंदर भी हो रही है, उसकी प्रोडक्ट सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ATP, ग्लूकोज प्लस वाटर या नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ATP। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो होगा दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, फैटी एसिड्स रिलीज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग, ये थोड़ा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। कह रहे हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं ये रिलीज करते हैं कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग। अब आपके माइंड में आएगा कि सर फैटी एसिड्स कब इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में आपने पढ़ा था कि इट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। सेकंड, जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते तो आपकी बॉडी किस चीज़ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है, लिपिड्स से। तो वो जो लिपिड्स होते हैं उनके फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करके उनसे ATP बनवाई जाती है। क्लियर। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कैल्वन साइकिल, क्रेब्स साइकल्स, डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। तो स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकल्स होते हैं।
तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि आमतौर पे नॉर्मली तो कार्बोहाइड्रेट्स से ही हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब हमें हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं देन वी शिफ्ट ऑन द लिपिड्स। अगर लिपिड्स भी ख़त्म हो जाए देन वी शिफ्ट ऑन द प्रोटीन। हम प्रोटीन पे सबसे लास्ट पे शिफ्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोटीन पे इनिशियली शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे मसल्स ही खाए जाएंगे सबके सब। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी दो फेज हैं, एक प्रिपरेटरी फेज है और एक इसकी ऑक्सीडेटिव फेज है। अगर प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता था, दो आइसोमर्स में डिवाइड होता था। एक था G3P जिसे हम कहते थे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा कौन सा था डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए G3P, ऑप्शन बी डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, ये तो दोनों लिखे हुए हैं, ऑप्शन सी पायरुवेट एंड ऑप्शन डी, यस बोथ ए एंड बी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, ATP मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम ड्यूरिंग विच प्रोसेस। कह रहे हैं कि ATP के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये किस प्रोसेस में कंज्यूम्ड होते हैं। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी क्रब्स साइकिल्स एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ग्लाइकोलाइसिस में ही कंज्यूम्ड होते हैं उसकी प्रिपरेटरी फेज के अंदर। अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी ATP यूटिलाइज नहीं होते बल्कि उसमें ATP बनता है। क्रब्स साइकिल्स के अंदर भी ATP बनता है। तो बचा जो आंसर वो ऑप्शन ए बचा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोलेकुलर ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग। कह रहे हैं कि जो मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है ना वो रिलीज होती है किस प्रोसेस के दौरान। ऑप्शन ए कैल्विन साइकिल, नहीं इसमें तो ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन बी रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी क्रब साइकिल्स एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टूडेंट जो लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लस ATP और NADH। और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ATP और NADH को यूटिलाइज किया जाता है और क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 41 है, इट मूव्स इन साइक्लिक मैनर इन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। कहना है कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या चीज़ साइक्लिक मैनर्स में फ्लो करती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी ATP एंड ऑप्शन डी NADPH। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन यही थी, द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ATP, द नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस लिहाज से जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द कैल्विन साइकिल टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए आपको अपने माइंड के अंदर कैल्विन साइकिल का स्केच लाना पड़ेगा और कैल्विन साइकिल के स्केच का सबसे टॉप का जो इमेज है वो आपके माइंड में आना चाहिए कि आपने यह देखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा था कैल्विन साइकिल में पीछे से RuBP आ रहा था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से कौन मिलवा रहा था, रूबिस्को प्रोटीन। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में आ रहे थे स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हैं, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या होगा, 3, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एंजाइम्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन। कह रहे कि वो एंजाइम्स जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में ज़रूरी होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब लाइट रिएक्शन, वो कहाँ होते हैं। ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नहीं इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नहीं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये तो इसमें तो डार्क रिएक्शन होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यस क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है, इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं फॉर लाइट रिएक्शन ये कहाँ मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, द वाटर सेपरेटिंग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। कह रहे कि वो स्टेप जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए केमियोसमोसिस, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी फोटोलाइसिस एंड ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी,
ये अक्सर एमडी कैट के अंदर पूछी जाती है, दैट इज फोटोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन होता है। और इसी फोटोलाइसिस के रिजल्ट में मोलेक्युलर ऑक्सीजन रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसे हम यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, इट इज मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड। ये बड़ा लॉजिकल सवाल है, कह रहे कि इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा है, FADH2, ATP, NADH या GTP। सो अगर हम FADH2 की बात करें तो ये दो ATP बनाते हैं। ATP इज अ सिंगल ATP, NADH इज इक्वल टू 3 ATP एंड GTP ये एक ही बनाता है ग्लूकोज का मालिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड है यहाँ पे वो कौन सा है, NADH, दैट इज इक्वल टू 3 ATP। अगर GTP के बारे में सोचें तो उसने तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है, बाद में जाके उसमें से जो है वो ATP एक्सट्रैक्ट होनी है। तो इसके जो NADH है दिस इज इक्वल टू 3 ATP, दिट इज़ अ एनर्जी रिच कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 46 है, द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, कह रहा है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ATP का बनना क्या होता है, एस्पायरेशन, कैल्विन साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या कीमियोस्मोसिस। तो स्टूडेंट, यहाँ पे उसने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लफ्ज यूज किया, तो इट्स मीन ऑक्सीडेटिव। और ATP और सिंथेसिस के लिए कौन सा टर्म होती है, फॉस्फोरिलेशन, तो इट्स मीन दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन अगर यहाँ पे वो टर्म यूज करता द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर वो लाइट का वर्ड यूज करता तो देन आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, फोटोसिस्टम 2 हैज मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ, कह रहे हैं कि जो फोटोसिस्टम 2 है, ये जो मॉलिक्यूल फोटोसिस्टम 2 जो है मॉलिक्यूल, वो कितने वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन ए 680, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 700 एंड ऑप्शन डी 670। तो स्टूडेंट्स, जो फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं जो लाइट रिएक्शन में यूज होते हैं, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। तो जो फोटोसिस्टम 2 है, हम जानते हैं स्टूडेंट ये कितनी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की। और जो फोटोसिस्टम 1 है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ये आपने बताना है स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द पॉइंट एट विच देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीव्स एंड एटमोसफेयर इज नाउन एज, कह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट ड्यूरिंग द डे जहाँ पे कोई गैस, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जीरो हो जाता है, मतलब इन्वायरमेंट से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उतनी इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है, जितनी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आ रही है उसको उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, मतलब कोई बचत नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा प्लांट, कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा प्लांट। तो स्टूडेंट, दिस इज द टर्म दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट, पैरेलल पॉइंट या कंपिटेटिव पॉइंट। तो दिस इज द टर्म फॉर द कंपनसेशन पॉइंट जिसके ऊपर नो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच टाइप ऑफ लाइट कॉजेज द हाइएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी लाइट की टाइप है जो कि जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ऑरेंज एंड ऑप्शन डी वायलेट। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो एक्शन स्पेक्ट्रम जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट को बताता था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो जगह पे पीक ज़्यादा आती है, ब्लू और रेड पे। और आपने ये भी पढ़ा था कि बुक के अंदर लाइन मेंशन थी कि जो रेड लाइट होती है इट शो मोर फोटोसिंथेसिस देन ब्लू लाइट, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अबाउट वट परसेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट व्हाइल रेस्ट अकर इन ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स। सो ये अपने वर्डिंग याद रख लेनी है, तकरीबन 90% जो फोटोसिंथेसिस है वो पानी में होती है, जो बाकी 10% फोटोसिंथेसिस है ना वो खुश्की पे होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो 40 है, 10 है, 20 है और 30 है। उसने ये पूछा कि कितने परसेंट फोटोसिंथेसिस खुश्की पे होती है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, बी 10। क्वेश्चन नंबर 51 है, बैक्टेरियो क्लोरोफिल्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे कि बैक्टेरियो क्लोरोफिल्स के अंदर इनमें से क्या नहीं होता, ऑप्शन क्लोरोफिल ए नहीं होता उसमें,
क्लोरोफिल सी नहीं होता, क्लोरोफिल बी नहीं होता, ये ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया क्लोरोफिल की अगर हम बात करें ना, तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल में इनमें से कुछ भी नहीं होता, ना ए होता है, ना बी होता है, ना सी होता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया क्लोरोफिल सिर्फ बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी है। इसका जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट से डिफरेंट होता है। सो वी सेड दैट कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल हैव सेपरेट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन क्या बनेगा, डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 52 है, द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दैट इज एम्बेडेड इन द कोर ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज। कह रहे हैं कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की कोर में जो पार्ट इसका एम्बेडेड होता है वो कौन सा होता है। तो स्टूडेंट आपने जब इसका टेल वाला पोर्शन पढ़ा था क्लोरोफिल का, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि द टेल इज एम्बेडेड इन द कोर ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और टेल हम जानते हैं क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और लाइट अब्जॉर्बिंग कौन होता है, हेड या टेल, हेड। टेल लाइट अब्जॉर्बिंग नहीं होती, तो इस लिहाज से ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफिलिक, ये तो हेड होता है, हाइड्रोफोबिक, यस हाइड्रोफोबिक टेल होती है। सी है बोथ ऑफ दीज ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिक टेल, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 53 है, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्टेन्ड बाय। कह रहे हैं पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो किस साइंटिस्ट ने ऑब्टेन किया था। ऑप्शन है यहाँ पे टी डब्ल्यू एंजेलमैंस, मेलियस, टी डब्ल्यू इंस एंड डब्ल्यू स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि टी डब्ल्यू एंजेलमैन ने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था और इस बात पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग। कह रहे हैं कि जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम है वो हासिल किया गया क्या चीज़ को इस्तेमाल करके। एक्शन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, एल्जी, फंजाई, बैक्टीरिया या स्पायरोगायरा। तो स्टूडेंट की आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, तो उसके अंदर एक बात मेंशन्ड है कि जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था वो ऑब्टेन किया गया था बाय यूजिंग स्पायरोगायरा। तो जो ऑप्शन डी हमारे पास है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, अर्लियर ऑर्गेनिजम्स यूज डैश एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे, पहले ज़माने में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो किस चीज़ को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करते थे। मतलब ये अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म वाला बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोजन पोटाशियम पर मैगनेट। तो स्टूडेंट्स ऑल आर नाउ कि जो अर्लीस्ट लाइफ ऑन द अर्थ थी वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करती थी एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और वो ऑक्सीजन की बजाय क्या चीज़ एटमोसफेयर में रिलीज करते थे, सल्फर को रिलीज करते थे। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा डेट इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज जनरेटेड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन जनरली जो फ्लो होता है वो नॉन साइक्लिक होता है। और बाज़ुका जब ATP और NADPH का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर साइक्लिक फ्लो की तरफ जाना पड़ता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। एनी हो वो पूछ रहे कि व्हाट इज जनरेटेड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जब नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या चीज़ जनरेट होती है। ऑप्शन है ATP, NADPH, ऑक्सीजन या ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है और एट दी एंड ATP और NADPH भी हमें मिलता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 57 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट्स टू मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर का पाथवे है वो क्या है। ऑप्शन कैरेटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, नहीं क्योंकि इसमें जो मेन पिगमेंट है वो तो सेंटर में है। ऑप्शन बी है क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड, क्लोरोफिल ए, यस ये मोर अप्रोप्रिएट। ऑप्शन सी है कैरेटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ऑप्शन सी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, कैसा भी बताता हूँ। एंड ऑप्शन डी क्लोरोफिल ए, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कैरेटिनॉइड है इट इज़ अ लेस एसेसरी पिगमेंट। अगर क्लोरोफिल बी की बात करें इट इज़ मोर क्लोज टू क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए, मतलब जो एसेसरी पिगमेंट से मेन पिगमेंट्स की तरफ पाथवे जाता है वो जाता है कैरेटिनॉइड्स टू क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी टू क्लोरोफिल ए, क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक इक्वेशन की फॉर्म में भी इसको लिखा गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, वैन नील हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वॉज बेस्ड ऑन द स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन।
कह रहे कि जो वैन नील हाइपोथेसिस है उसमें जो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो उसकी स्टडी किस चीज़ के ऊपर की गई, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर की गई। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है एल्जी, सी है प्रोटोनीमा एंड डी है साइनोबैक्टीरिया। तो स्टूडेंट जो हमारे पास वैन नील हाइपोथेसिस था इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनिज्म था वो हमारे पास कौन था, बैक्टीरिया। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन में 59 है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम ओबेज, कह रहे कि जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है एनर्जी रिलेशनशिप्स की इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, वो किस चीज़ को फॉलो करती है, वो किस चीज़ को ओबे करती है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो किस चीज़ को फॉलो करती हैं। ऑप्शन ए है बायोएनर्जेटिक्स को फॉलो करती हैं, बी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती हैं, ऑप्शन सी लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री को फॉलो करती हैं एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ केमिकल एनर्जेटिक को फॉलो करती हैं। तो स्टूडेंट ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हमेशा फॉलो करती हैं, ये ओबे करती हैं किस चीज़ को, लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, द ग्राफ डैट शोज रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन फोटोसिंथेसिस इज, कह रहे कि एक ऐसा ग्राफ जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट को शो करे वो क्या होता है। ऑप्शन ए एक्टिन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी एक्शन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड ऑप्शन डी इमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट जो रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ अब्जॉर्बिंग लाइट को शो करे वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस को शो करे वो हमारे पास क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, कैरेटिनॉइड्स परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कह रहे कि जो कैरेटिनॉइड एक एसेसरी पिगमेंट है ये प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करता है किस ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑप्शन ए एनिमल्स के अंदर, यस क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर कैरेटिनॉइड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग लाइट से आई को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी प्लांट्स, यस ये एसेसरी पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, ये एक्स्ट्रा लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच पेयर ऑफ एरियाज विद इन अ क्लोरोप्लास्ट विल शो द स्टीपेस्ट हाइड्रोजन ग्रेडियंट बिटवीन देम, कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे ढलवान बनती है। ऑप्शन ए डीएनए एंड स्ट्रोमा, नो राइबोसोम्स एंड स्ट्रोमा, नो स्ट्रोमा एंड द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, नो स्ट्रोमा एंड द थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, यस क्योंकि स्ट्रोमा और थैलाकॉइड की जो इंटीरियर स्पेस है इसके अंदर क्या बनती है, एक ढलवान बनती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और एटीपी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ, कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं किस शक्ल में, क्लस्टर्स स्टैक्स फोटोसिस्टम्स या बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं एक क्लस्टर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऑटोट्रॉफ्स लिव बेस्ट इन डैश एनवायरमेंट, कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये किस इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट रहते हैं, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है स्टूडेंट ध्यान से सुनना, वेट टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो स्टूडेंट समझाते हैं, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस, और फोटो सिंथेसिस के लिए आपको जो रॉ मटेरियल है वो क्या रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, ये दोनों इनऑर्गेनिक हैं, इसीलिए जो ऑटोट्रॉफ्स का बेस्ट इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो बना लेंगे लेकिन इन्हें रिक्वायर्ड क्या होता है, इनऑर्गेनिक। अगर ये इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी फूड को अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इनकोरेक्ट, कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्लोरोफिल के हेड के बारे में ठीक नहीं है। ऑप्शन ए इट इज़ अ प्रोफाइरल रिंग और टेट्रापायरोड रिंग स्ट्रक्चर, यस इट इज़ फ्लैट स्क्वेयर एंड लाइट अब्जॉर्बिंग, यस कंपोज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम विद मैग्नीशियम एज सेंट्रल आयन, यस ऑप्शन डी इट इज़ हाइड्रोफोबिक, नो क्योंकि जो हेड ऑफ क्लोरोफिल है ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल की अगर बात करें टेल हमारे पास क्या होती है, इसकी हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो ऑप्शन डी है दैट इज इनकोरेक्ट अबाउट द क्लोरोफिल। 66 है,
क्लोरोफिल इज इनसॉल्युबल इन, यानी क्लोरोफिल किस में इनसॉल्युबल है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोराइड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, या नन ऑफ दिस? तो स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोराइड इनमें क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो इस लिहाज से जो 66 का राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। 67, व्हाट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग शुगर प्रोडक्शन इन फोटोसिंथेसिस? यानी कि जब शुगर प्रोडक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में तो क्या चीज़ रिड्यूस्ड होती है? ऑप्शन ए NADH, बी DNA, सी ऑक्सीजन, डी नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिड्यूस्ड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो मेंशन नहीं, तो इस तरह से जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। 68 है, व्हाट इज द कलर ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट? कह रहे कि जेंथोफिल का जो है पिगमेंट उसका कलर क्या होता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ऑरेंज एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो जेंथोफिल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? येलो कलर्ड पिगमेंट होते हैं हमारे पास, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए होगा दैट इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो टेस्ट 4 में इंक्लूडेड थे। आपने इन्हें डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा और उनमें आपने मार्क्स भी अच्छे स्कोर किए होंगे। और स्टूडेंट, इस डिस्कशन को आपने सुना, इसमें से बहुत से पॉइंट्स आपके लिए नए होंगे, बहुत से आइडियाज़ आपको मिले होंगे कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो मैं इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उन लेक्चर्स को सुनो, उनमें प्रैक्टिस MCQs भी इंक्लूड हैं, उन प्रैक्टिस MCQs को भी सॉल्व करो। इंशाल्लाह FLP के अंदर हम पूरा 200 मार्क्स का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन करोगे। स्टूडेंट, उसकी डिस्कशन भी इंशाल्लाह आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। तो आपने इसको ध्यान से अच्छे से सुनना है, हर चीज़ को ध्यान से देखना है। और प्रीवियस जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 2 टेस्ट हुए थे वो लाजमी सुनना, Test 1, Test 2, Test 3, Test 4, और इंशाल्लाह फ्राइडे को Test 5 कंडक्ट होगा, वो आप अटैम्प्ट करना। और उम्मीद है कि अगर आप इन सारे टेस्ट को अटैम्प्ट कर लोगे तो बायोलॉजी में से 68 out of 68 आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, और बायोलॉजी इन सेकेंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप्स के साथ लाजमी शेयर करना है। क्या पता कोई बच्चा आपकी वजह से डॉक्टर बन जाए। अल्लाह हाफिज़।